भाई दोस्तों आज जा रही है मुझे घुमाने मार्केट पटियाला की। आज बहुत कुछ सामान विमान देखना है हमको, मतलब और ये बोली चली इसी बहाने मार्केट भी घुमा के जाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, इसलिए मैंने सोचा तो स्कूटी चला मैं वीडियो शूट करूँ अच्छे से। ज़रा ट्राइपॉड ले लेते तो और मजा आता यार, जब वो वाला हैंडी चल कोई नहीं अच्छे से बन सकता था। हाँ ले आओ क्या तो भाई दोस्तों ये देखो ले लिया ट्राइपॉड हमने, आप पीछे देख रहे हैं। ट्राइपॉड से ये अच्छा होता है कि वीडियो मतलब अच्छा बनता है, शेकी नहीं होता, ऐसा हिलता नहीं है, और मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी बरोबर क्लियर दिखाई देता है, मतलब आप लोगों को ऐसा बनाएगा तो। नहीं तो ऐसा फोन में लेगा ना तो ऐसे मैं ही दिखता हूँ बस पूरा ज़्यादातर। ट्राइपॉड में ऐसे दूर से बना लो, ऐसे बना लो, कहीं रख के बना लो तो ये थोड़ा अच्छा होता है। इसलिए मतलब जब बना ही रहे तो थोड़ा अच्छे से बनाए ना यार, ताकि आप लोग को भी मजा आए वीडियो देखने में और हमें भी बनाने में मजा आए। तो चलो अभी चलते हैं जरा पटियाला की मार्केट रूम तो आप लोग को भी घुमाते हैं, तो बने रहिए मिलते हैं। भाई ये खड़ी मैडम आज मैडम घुमाएगी मुझे पूरा एकदम पटियाला। जो ये देखो भाई दोस्तों क्या सनसेट हुआ एकदम मस्त। रोड बताओ ये। हाँ ये रोड तो दिखाई रहा हूँ मैं, अर्बन स्टेट को जाता है शांति नगर भाई, ये थोड़ा मार्केट की तरफ जाता है। एक सिंगल रोड है ये, थोड़ा डेंजर रोड है ये। और न्यू बस स्टैंड भी यहीं शिफ्ट हो गया है, उस वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। हाँ ये बता रही थी पहले इतना भीड़ नहीं रहता था इधर। और एक के घर के पास में देखो पेट्रोल पंप भी है, और ये आधी की बिल्डिंग और ये इनका पेट्रोल पंप भाई। सही है अपना वहाँ निकलो तो पेट्रोल भरा और चल दिए भाई। और आगे ये बड़ी नदी आएगी सामने, इधर से हम जाएंगे। बड़ी नदी वो है जहाँ फ्लड आता है पटियाला में, ये भर जाती है तो फ्लड आ जाता है। देखो भाई पूरा बादल क्या मस्त लग रहा है एकदम यार, स्काई एकदम फुल मस्त ऑरेंज ऑरेंज सा हो गया भाई। दोस्तों इधर रोड क्रॉस करना भी एक अलग टास्क है भाई। एक भाई ये वाली नहर है ना, ये नदी। हाँ ये ऊपर अभी जब पटियाला में फ्लड आया था, हाँ जब ये बाढ़ आई थी ना तो यहाँ पर भी पूरा पानी भर गया था भाई इसका। तो लास्ट टाइम अभी भी यही हुआ था तो ये इसलिए फ्लड आता रहेगा, मतलब ऊपर से जब पानी छोड़ देते रहेगा ना, पानी छोड़ते हैं। हाँ जब हिमाचल से नॉर्थ साइड से उत्तराखंड साइड से पानी नीचे को आता है तो ये पूरी भर जाती है। हाँ भाई आप लोग को पता तो होगा दोस्तों कि इस बार हिमाचल में कितना बाढ़ आई यार, पूरा कितना पानी भर गया था, तो उसका उसकी वजह से यहाँ पर भी ज्यादा पानी मतलब ऊपर से छोड़ा गया था। तो यहाँ पर भी बोलते हैं पूरा जो एरिया ना ये पूरा ये नदी भर गई, तो पूरा आसपास के एरिया में भी ये यहाँ पे अभी इस बार क्या हुआ छोड़ने नहीं दिया, यहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे आके तो उन्होंने छोड़ने नहीं दिया, तो सारा पानी अर्बन स्टेट साइड छोड़ दिया, शहर सिटी की साइड नहीं छोड़ा तो सिटी बच गई। अच्छा नहीं तो पूरा सिटी ही डूब जाता। ठीक है चलो भाई अभी चलते हम लोग मार्केट घुमाएगा। अभी ये पटियाला का मार्केट शुरू हो रहा है, मतलब ये मेन मार्केट नहीं है, गुरुबख्श कॉलोनी है ये। गुरुबख्श कॉलोनी गुरना एक यहाँ पे राइट साइड में गुरु नानक नगर, लेफ्ट साइड में गुरुबख्श कॉलोनी है। तो हम गुरुबख्श कॉलोनी से जा रहे हैं आर्य समाज, तो आर्य समाज में हमें काम है। पापा का फोटोग्राफी का बिजनेस है, तो उन्होंने किसी का फोटो का फ्रेमिंग करने दिया तो वो उठा के लेके जानी है। और रास्ते में ओल्ड बस स्टैंड भी आएगा तो आपको ओल्ड बस स्टैंड भी दिखाएंगे, पुराना बस स्टॉप, ये सारा अभी गुरुबख्श कॉलोनी है। तो अभी हम जा रहे हैं भाई, आज पूरा भाई इसके बाद मार्केट घूमूंगा मैं, आज पूरा मार्केट घुमाई आज मेरे को पूरा मार्केट। आज में तो खत्म नहीं, आज में नहीं, मतलब जो जो मेन काम है मार्केट में हम लोग जो सामान लेना, तो सोचा आप लोग को भी घुमाते हुए चले तो आप लोग को भी मजा आएगा भाई पटियाला मार्केट घुमाएगी लोकल। इधर से लिया मैंने, इधर से स्टेशन का थोड़ा सा साइड दिखेगा और बस स्टैंड दोनों दिख जाएंगे, बट ये थोड़ी सी डेंजर रोड है। यहाँ पर कोई भी कैसे भी गाड़ी चलाता भाई, इंडिकेटर देता नहीं कोई, कहीं से भी तुम्हारे आगे से आगे कट मार देंगे, राइट लेफ्ट आके सीधा गाड़ी घुस जाता, कुछ लेना देना नहीं इनको। तो इसलिए अगर आप लोग कभी भी गाड़ी चलाओ जरा संभल के चलाओ भाई दोस्तों, आराम से चलाओ। इंडिकेटर टाइम हो गया ये वाली सड़कों पे आए हुए मेरे को, बट रास्ता भी याद करने की कोशिश कर रही हूँ भाई, पूरा बचपन इसका यही गुजरा है भाई, तो इसके पूरा एक एक चप्पा चप्पा मालूम है। तो मैं बोला भाई इससे बेटर कौन घुमा सकता है यार पटियाला, और आप लोग को भी इससे बेटर कहाँ घूमने मिलेगा पटियाला, वो भी लोकल और यहाँ का फूड सब बताएगा आपको धीरे धीरे। आप बस बने रहिए, मजा आएगा आपको पंजाब के पटियाला की गलियों में घूमने। ये अभी देसी पटियाला चल रहा है। हाँ जी ये पूरा एकदम
मेन जो पहला मतलब पुराना ओल्ड पटियाला, जैसे हमारे यहाँ ओल्ड मुंबई नवी मुंबई वैसा है। तो भाई लोग ये थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई दोस्तों, आप इसको मैं बोलता हूँ कि पंजाबी में भी पंजाबी में पंजाब में पटियाला में तो थोड़ा पंजाबी तड़का होना चाहिए, तो मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा पटियाला में पंजाबी ये साड़ी ये वाला बोर्ड दिखाओ। ए एस आडी डी एम डब्ल्यू रोड रेलवे स्टेशन रोड है बेसिकली। ये देखिए जी भाई मालगाड़ी खड़ी है। मालगाड़ी खड़ी है तो हूँ अगे जाके राइट साइड से अपने पैरेलल ही सारा रेलवे स्टेशन चल रहा है। तो ये रेलवे स्टेशन है, पटियाला का बोर्ड दिखाओ। ये रेलवे स्टेशन वही रेलवे स्टेशन है जिथे बॉडीगार्ड मूवी की शूटिंग हुई थी। अच्छा। तो सलमान खान ते करीना कपूर ने सारी शूटिंग इत्थे ही की है जिसते बोर्ड लग्या होया सीगा लुधियाने दा, वो वैसे बेसिकली पटियाला दा स्टेशन सी। तो मैं मूवी देखण दी शूटिंग भी देखण गई सी, मैनू सिक्योरिटी गार्ड ने भजाता कहिंदा जा तेरे वर्गी तो दिख रही है तो मैं आ गई, खुश हो गई और आके मिरर देखने लग गई घर पे। तो भाई ये दोस्तों ये बोल रहे कि मतलब ये मतलब बॉडीगार्ड की पिक्चर की शूटिंग हो रही थी यहाँ पर, तो ये गई थी देखने, तो सिक्योरिटी गार्ड ने इसको बोला कि अरे मैडम वो करीना कपूर आपके जैसी तो दिखती है, आप क्या मतलब देख रहे हो। तो ये खुश हो गई फुल जाके और मिरर में जाके देख रही अपने आप को। क्या मेरे को सलमान खान दिखा था, उसने ग्रे कलर का ब्लेजर और वो पैंट पहन रखा था, वो मेरे को दिख गया था, करीना नहीं दिखी थी। और अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे थोड़ा एक दो दिन में जब टाइम लगेगा, करीना कपूर का जो घर था बॉडीगार्ड मूवी में, वो जो निमराना हवेली है पटियाला में पूरी शूटिंग उधर ही हो रखी है, तो करीना कपूर का जो घर सी वो भी दिखावांगे थानू। काफी काफी वधिया बनया होया वो होटल है बेसिकली, पब्लिक को सब दिखाए ताकि पब्लिक को भी मजा आए, जरा उनको भी अपने साथ साथ ऐसा लगना चाहिए वो भी अपने साथ साथ घूम रहे। तो राइट साइड में अभी हमारा चल रहा है रेलवे स्टेशन और सामने हमारा बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड, और नया वाला बस स्टैंड तो इनके घर के सामने ही थी, अभी वो शिफ्ट हो गया हमारे घर के पास। और जो ओल्ड वाला जो अभी आएगा, जैसे ही बस स्टैंड शिफ्ट हुआ हमने अपना घर भी शिफ्ट कर लिया। अभी लेफ्ट साइड में आएगी थी परांठा मार्केट, पटियाला में दो परांठा मार्केट है। एक ये वाली है, जानते तो है कि पंजाब का पराठा कितना फेमस है, ये तो 12-1 बजे तक ही चलती है और एक 24 घंटे वाली है, तो कजन इकट्ठे होंगे तो आपको वो वाली दिखाएंगे 24 घंटे वाली। अभी काम चलाने के लिए ये वाली देख लो लेफ्ट में, ये भाई पराठा मार्केट है यहाँ, ये सारी परांठा मार्केट है, यहाँ मैगी परांठे एग परांठा बहुत फेमस है यहाँ के, एग परांठा गोभी परांठा पनीर परांठा। तो अभी हमें जाना है आर्य समाज, तो बस स्टैंड से होते हुए अभी हम जा रहे हैं आर्य समाज। ये फ्लाईओवर है, राइट साइड में सामने बस स्टॉप है, इसको बोलते हैं बत्तियां वाला चौक, बत्तियां मीन्स लाइट, लाइट वाला चौक है ये बस स्टॉप का मेन चौक है, मेन बस स्टॉप पुराना बस स्टॉप का मेन चौक है। अभी हमें यहाँ से जाना है, ये चौक है मतलब सीधा जाएंगे तो न्यू बस स्टैंड आएगा, लेफ्ट जाएंगे तो वही गुरुबख्श कॉलोनी, राइट जाएंगे तो मेन सिटी आ जाएगी और ऊपर जाएंगे तो सरहंद रोड। तो ये अभी हम बत्तियां वाले चौक में ओल्ड बस स्टैंड, राइट साइड में बस स्टैंड आएगा, दिखाओ राइट साइड, ये इसका स्कूल है ना ये वाला। हाँ ये स्कूल श्री अरविंदो, इसमें मैंने सिर्फ नर्सरी किया है, ये इस स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था, मतलब पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है और बच्चे का भी, तो पूरा पटियाला बस स्टैंड है। तो मेरे मम्मी पापा का भी इंटरव्यू हुआ था, मेरे साथ मेरे दो कजन्स भी आए थे एडमिशन के लिए, उनका नहीं हुआ था सिर्फ मेरा क्लियर हुआ था, बट फिर ये हमारे घर से काफी दूर हो गया था तो पापा ने यहाँ से निकाल दिया और दूसरे स्कूल में डाल दिया। वो वाला स्कूल भी दिखाएंगे, दिखाओ इसका मेन गेट, बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो पटियाला में सिटी के गेट हैं, गेट एंटर करने के पटियाला में, जैसे मतलब बेसिकली ये राजाओं का शहर था तो जब कोई जंग वगैरह होती थी गेट चारों तरफ से गेट बंद कर देते थे, तो ये उसमें से एक गेट आएगा आगे, आर्य समाज बोलते हैं उसको, आर्य समाज गेट, तो हम उधर जा रहे हैं अभी। ऐसे ही एक हमारे पुराने घर के पास था समानिया गेट, तो किला चौक है जो मेन जहाँ पे किला है, तो वो किला के पास कोई ना पहुंच सके तो चारों तरफ से गेट बंद कर देते थे, समझे? ओके जी। तो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो हायरार्की है, उनके जो दादा परदादा थे महाराजा रणजीत सिंह भूपिंदर सिंह वगैरह, वो सब
किला में रहते हैं, पटियाला का किला भी दिखाएंगे आपको। ये आएगा जी, अभी आ रहा है समाज गेट, ये आएगा भी राइट साइड। हाँ हाँ, वो देखो जी आ गया जी गेट। ये क्या नाम है इसका, आर्य समाज गेट? हाँ, गेट निकाल दिया इन्होंने। अच्छा, ये ऐसे गेट था यहाँ पे पहले, यहाँ पे गेट था, गेट निकाल दिया। पहले बड़ा बड़ा गेट था पुराने जमाने का। अच्छा, आवर डेस्टिनेशन इज ऑलमोस्ट देयर। बोल। तो अभी ये फोटो ले लिया है, अभी दुकान पे देन देंगे पापा को। चलो, तो अभी भाई अपना ससुर जी का आपको दुकान भी दिखाएगा, स्टूडियो उनका। कल तो दिखाया था अभी। फोटोग्राफी का बिजनेस है भाई, काफी अच्छा ना, मस्त फोटोग्राफी करते हो, वीडियो शूट ये सब। अभी जा रहे स्टूडियो, मिलते आप लोग को। तो ये अभी हम आ गए हैं आधे समाज से बाहर आके, लाहौरी गेट की तरफ जा रहे हैं। तो लाहौरी गेट मतलब एक और गेट है जिसका नाम है लाहौरी गेट। तो वो गेट तो निकाल पूरा ही वैनिश कर दिया इन्होंने। तो ये गेट लाहौर की तरफ जाता था तो इसका नाम लाहौरी गेट रख दिया था। अभी ये सामने यहाँ पे एक रबड़ी वाला खड़ा होता है, अभी दिख नहीं रहा है, बहुत अच्छी रबड़ी बनाता है, बहुत फेमस है उसकी रबड़ी। इधर है शायद, ये तो गरम गुलाब जामुन, ये दही भल्ले हैं, दही भल्ले, भल्ला पापड़ी चाट। कभी और खाएगा भी नहीं। हाँ, दही भल्ला है भाई, दही भल्ला पापड़ी चाट तो काफी फेमस है भाई। मतलब पटियाला छोटा सा है बट सब सामान नजदीक नजदीक मिल जाता है। जैसे यहाँ पे कपड़े कुपड़े मिल रहे हैं, यहाँ पे मेरे मार्केट दोनों, मेरे कजन की दो शॉप्स भी हैं कपड़े की। पहले उसका रेंट पे था, भी उसने खुद का खरीद लिया, आगे जाके आएगा। और इस मार्केट के बाद आएगी शेरे पंजाब मार्केट, जहाँ पे कर्टन और बेडशीट वगैरह सब मिलता है। हमारे एक्चुअली पर्दों का काम खत्म ही नहीं हो रहा है। पहले पर्दे ऑनलाइन ऑर्डर किए, वो हमने वापस भेज दिए, फिर यहाँ से ऑर्डर दिए, नितिन ने लगाए तो मैंने उसको ओके किया, उसने चार पर्दे बना के दिए, फिर वो चारों लंबे निकले। अभी मैंने कल रैपिडो करके बाइक वाले के हाथ वो पर्दे वापस भेजे छोटे करने के लिए। अभी हम उसको देखेंगे कि हो गए कि नहीं। यहाँ पे क्या रास्ते में सब आ रहा है, तो रास्ते से ही हम गुजर रहे हैं, तो सब देखते देखते जाएंगे। ये पूरा देसी पटियाला है, देसी पटियाला का हिस्ट्री के बारे में बताओ ना थोड़ा, पुराना मतलब मार्केट। पटियाला वो दिखाऊंगी जब किला, जब पटियाला का किला दिखाएंगे ना तब दिखाऊंगी पटियाला, पटियाला नाम कैसे पड़ा। तो बेसिकली और ये मार्केट भी काफी पुराना रहेगा ना। हाँ हाँ, सब पुराना ही है। देखो भाई इधर के मेन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट दोनों तरफ, ये अभी कपड़ा मार्केट है, पटियाला का कपड़ा मार्केट बोलते हैं इसको, शेरे पंजाब मार्केट। सिंगल और छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन ये देखो कितना ट्रैफिक हो जाता है। मतलब ये शेरे पंजाब मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, इधर सारे होलसेल के कपड़े, चादर, बेडशीट, शादियों के कपड़े सब यहीं से लेते हैं लोग। इधर राइट साइड में मेरे एक कजन का भी दुकान आएगा, सूटिंग एंड शर्टिंग है, बिट्टू जी। इधर आएगा राइट में, इधर राइट साइड में आगे जाके इधर बोरा आगे राइट, और जहाँ मेरी कजन बुआ जी का की दुकान है, बिट्टू जी, ये वाला, ये वाला। हाँ, ये देखो भाई, ये इसके कजन का है, बिट्टू जींस। तो बड़ा शॉप खोल लिया भाई, इतना बड़ा है, उन्होंने पहचान लिया था, पता नहीं पहचान है कि नहीं। चल बाद में आएगी, हम बाद में आएंगे, फिर बाद में आऊंगी। बाद में, बाद में। देखो पूरा इतना बड़ा मार्केट है भाई, देखो तो मेरे मतलब इतना बड़ा मार्केट है कि मतलब आप लोग घूम भी जाओगे इधर भाई, अगर आपको अगर आईडिया। मेरे कजन को भी मिल लिए हम, उसको हेलो कर दिया, हैरान हो गए थे उन्होंने तो पहचाना ही नहीं। सोच रही है कि मतलब कहां से जाया ना, मैं इतनी मोटी हो गई थी, हो गई हूं, उनको पहचान ही नहीं आई। ये अभी हम वो पर्दे वाले पे जा रहे हैं, मैं बोल रहा था कि अगर कोई इधर नया बंदा ऐसे मार्केट में घूमेगा अकेला तो घूम ही जाएगा, मेरे को लगता है। सही बात है, ऐसी मार्केट है मतलब छोटी छोटी गलियां और ऐसा बड़ा, इतना बड़ा मार्केट है ये।
तो इसलिए भाई कोई मतलब पहचान इच्छा वाला रहेगा साथ में रहेगा तो आप लोग को मजा भी आएगा घूमने में पीछे तो थोड़ा ठीक भी रहेगा। नहीं तो ऐसा मतलब हाँ रोड कौन सा क्या रोड जा रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा रास्ता भटक जाओगे। भाई पर्दे लेने इसके पर्दे का ही काम ही खत्म नहीं हो रहा है कब से मतलब पर्दा पर्दा मैं भी इसको फोन पे वही मैं उतरती नहीं ऐसी वजह से सबको ऐसे बुलाती रहती हूं। वो बेचारा मेरा कजन भी ऐसे ही आया पर्दे देते थे कल चार छोटे हो गए ले लिया तो फाइनली पर्दे मिल गए हैं। थैंक यू भैया। भाई फाइनली इसके पर्दे का अभी फाइनली हुआ नहीं है अभी ये तो जब लगाएगा ये उधर लगेगा तो फाइनल होएगा भाई इसका ये तो नहीं तो ऐसा नहीं तो फिर बोल देंगे नहीं मजा नहीं आ रहा और इतने बड़े छोटे या कितना है जब तक लग के फाइनल नहीं होते ये भी उधर विंडो पे लगाएगा तो पता चलेगा ये अच्छे लगेंगे तो फाइनल होएगा। अभी मैं सोच रही थी कौन सी मार्केट से जाऊं तो अभी इतने मार्केट है कि भाई ये सोच रही है कौन सी मार्केट की तरफ से रास्ता अभी हम जा रहे हैं छोटी बारादरी वाली साइड से लेके जाऊंगी मेन मार्केट में फिर कभी आएंगे क्योंकि भीड़ है तो ये राइट साइड में है टीबी हॉस्पिटल ये वाला हाँ हॉस्पिटल भी अच्छा लग रहा है यार मतलब कलर इधर अच्छा क्या हुआ है ये चंडीगढ़ का भी जैसा वो हॉस्पिटल है ना चंडीगढ़ में कौन किया आपने वैसा ही है ये हाँ ये राइट साइड में है टीबी हॉस्पिटल काफी फेमस है पटियाला का टीबी हॉस्पिटल बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखो ना कितना मस्त हो रहा है यार सनलाइट का मस्त लग रहा है येलो ऑरेंज एकदम मस्त। अभी टीबी हॉस्पिटल से हम जाएंगे छोटी बारादरी की तरफ हाँ तो ये सामने आ गया है ठेका हमारे पड़ोसियों का ठेका है ये ठेका मतलब आता वाइन का मतलब आप समझ रहे होगे मतलब वाइन शॉप वाइन शॉप जो कि पंजाब में फेमस होते हैं दारू कट्टे वाइन शॉप। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा सीधा ये देखो एड चल रही है डैडी किधर कुलचा वाला रहेगा ना कुलचा वाला हाँ कुलचा वाला रहेगा ना डैडी किधर ओ तो हाँ रहेगा कुलचा खाएगा कुलचा ये देखो भाई हेलमेट की दुकान देखो कितना भीड़ रहती है। तो ये आ गई पटियाला की नहीं आ रहेगा आपने भाई ये बुलेट की आवाज थी भाई ये तो पटियाला में ये पटियाला की पुरानी मतलब पूरे पंजाब में बुलेट यहाँ का ट्रेंड रहा है मतलब बुलेट भाई बुलेट चलाना मतलब भाई एक रिवाज है जैसे मानो जाओ यहाँ पर पटियाला मतलब पंजाब में ऐसे ही साउंड एकदम तेज साउंड वाली बुलेट और पटाखे मारती हुई बुलेट आपको हर गली हर नुक्कड़ पे सुनाई देगी यहाँ पंजाब के हर शहर में। तो चलो भाई अभी कहाँ से कौन से मार्केट से लेके चल रहे अभी आगे जाके आएगा नाभा गेट गेट नाभा गेट नाभा गेट और उसके बाद पुरानी ट्रैक्टर मार्केट जहाँ सारे ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं ठीक है। आज का ये व्लॉग तो अपना वैसा हो रहा है जैसे वो अपना वो बाइक पे अपना गोप्रो लगा के वीडियो शूट करते व्लॉग बनाते सेम टू सेम हम आपको वैसे ही फील देंगे आज कि मतलब ऐसा वीडियो शूट करें कि जैसे मतलब गोप्रो लगा के और हम लोगों से बात पटियाला पटियाला टूर ऑन गोप्रो तो मतलब ये तो ऐसा और पूरा हम लोग ट्राई करेगी आपको पटियाला ऐसे घुमाया जाए तुम ऐसा बोल सकते हो पटियाला टूर ऑन एक्टिवा प्रो एक्टिवा प्रो प्रो प्रो। तो अभी हम आ गए हैं नाभा गेट आ जाएगा आगे जैसे छोटे छोटे दो दो तीन किलोमीटर पे सब सामान मिलेगा तो कपड़ा मार्केट खत्म हुई तो थोड़ा आगे आए अभी हम यहाँ पे ये रोड है जहाँ पे आपको सारा फर्नीचर का सामान मिलेगा और वॉल पेपर हो गए वॉल पेपर पीवीसी की दुकानें सब यहीं पे है तो हमने जो घर में वॉल पेपर इंटीरियर का हाँ इंटीरियर का जो वॉल पेपर लगवाया हमने ये आगे शॉप आई थी वो वहां से करवाया था। इधर राइट साइड दिखाओ राइट साइड में सारा फर्नीचर मार्केट है उधर राइट साइड दिखाया राइट साइड दिखाया पूरा ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड दिखाओ ये अनाज मंडी है यहाँ पे सब कनक वगैरह ये सब मिलता है और ये जैसे इस दुकान से मैंने वॉलपेपर का लिया था ये हाँ ये कटिंग कुटिंग करके एमडीएफ के आजकल जो डिजाइन चल रहे हैं मंदिर वगैरह वो सब देते हैं तो मतलब छोटे से एरिया में सब सामान मिल जाएगा आपको भटकना नहीं पड़ेगा मतलब एक दिन सुबह शॉपिंग के लिए निकलोगे रात तक सारा शॉपिंग करके
घर पहुंच जाओगे। तो ये अभी आपको ट्रैक्टर मार्केट और स्पेयर पार्ट्स, जो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो सब ये राइट साइड में है, देखो सारी दुकानें हैं ये। अभी तो आधी शिफ्ट हो गई है उधर की तरफ ही, हमारे घर की तरफ, बट पुराने वाली मेन यही है। बताओ ये देखो भाई, इतना बड़ा ये क्या कपड़े का दुकान है भाई? ये देखो ये अभी यहाँ से अभी क्या होता है कि कपड़े की दुकान है, कपड़े की मार्केट। यहाँ पे मेरी भी दुकान है, देखो गिट्टी का क्रिएशंस दिखा दो। ये देखो भाई मैंने बंद कर दी, इधर वाली दिखाओ। ये पूरा कपड़ा मार्केट है भाई। तो ये अभी एसी मार्केट जो मेन मार्केट है पटियाला में, जिसके लिए लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। देखो यहाँ पर कपड़े की दुकान भी आप लोग को ऐसे ऐसे लगेगी जैसे पूरा महल बना रखा, मतलब घर भी पूरे ऐसे लाइटिंग ऐसे। लेफ्ट साइड में दिखाओ, लेफ्ट साइड। ये पूरी एसी मार्केट रोड है, एसी मार्केट की पार्किंग बोलते हैं उसको। वो पूरा आपका डे ट्रिप होगा, वो हम डे में करवाएंगे आपको। जितने भी जिसके लिए पटियाला मेनली फेमस है, फुलकारी, पंजाबी जुत्ती और दुपट्टा और कढ़ाई वाले एम्ब्रॉयडरी वाले सूट वो सब। और ये अभी यहाँ पे आएगा मोची बाजार, जो पंजाबी जुत्ती प्योर, जो मेन पंजाबी जुत्ती की मार्केट है ये है पूरे पटियाला की। तो ये लोग गणपति वगैरह भी खाते हैं, तो ये उनका गणपति का फेस्टिवल चल रहा है। हमारा एक फ्रेंड भी है पंजाबी जुत्ती वाला, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करता है, उससे भी मिलवाएंगे आपको। यहाँ पर भी जाएगा अपन, तो आप लोगों को अच्छे से हम लोग पंजाबी जूतियों के बारे में। उसका घर ही है राइट साइड में, उसका घर है, उसके घर के बाहर भाई गणपति बाप्पा बिठा हुआ है भाई। चलो भाई बोल देते जोर से, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया भाई। चलो ये भी फील हो गया। तो इधर राइट साइड में उनका भी घर आता है, वो भी हम जा रहे हैं। अभी आएगा जी कड़ा वाला चौक, कड़ा वाला चौक मतलब कड़ा, जो गुरुद्वारा में वो जो प्रसाद मिलता है ना, देग बोलते हैं जिसको, देग। तो यहाँ पे इस चौक में एक अंकल था, वो बहुत अच्छा कड़ा बेचता था। तो उसकी अभी तो डेथ हो गई, तो उसके नाम से पड़ गया इसका नाम कड़ा वाला चौक। अच्छा कड़ा कड़ा। ये देखो भाई पंजाबी जूतियों की दुकान चालू हो गई है। इसका तो ऐसे ही भाई, जहाँ इसको मतलब साउंड में सुनाई दी, पंजाबी गाने सुनाई दी, इसका डांस निकल जाता है। ये तो गणपति का था, जे मैं हुंदा दातिए मोर तेरे बागांदा। भाई देखो फिर से एक और, पहले तो पटियाला में गणपति वगैरह कुछ नहीं मनाते थे। और ये है सतरंगी गोलगप्पे वाला, पटियाला का बहुत ही फेमस गोलगप्पे वाला, 7 तरह का पानी देता है। तो अभी आएगा आगे सुमानिया गेट। तो भी अच्छा लगता है कि मतलब ये बहुत जगह मतलब गणेश फेस्टिवल मनाते थे। मैं तो पहले सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में काफी मनाया जाता था, लेकिन अभी पंजाब दिल्ली बेंगलोर और भी मतलब सब जगह भी अच्छे से मनाया जाता है गणेश। तो अभी हमारे इनके पुराने वाले घर की तरफ सुमानिया गेट। तो वो भी एक गेट है जो किला को जाता है। ये मेन गेट है, ये मेन रोड है जो पटियाला के किला की तरफ जाती है। तो उसका आपको पूरा डे ट्रिप करवाएंगे, जिस दिन हम एसी मार्केट और किला चौक एक साथ घुमाएंगे आपको। एसी मार्केट, पंजाबी जूती वाली दुकान और ये किला। देखो पहले घर, इनका घर इधर था, यहाँ से राइट सीधा लेफ्ट जाके राइट में। तो अभी हम लोग इधर पहले इनके भाई पहले स्टूडियो जा रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि ये फ्रेम देना है जल्दी। ये गीता भवन, हाँ। ये दोस्तों लेफ्ट साइड में गीता भवन है, ये कृष्ण जी का। मतलब गीता भवन क्यों? कृष्ण जी का पूरा इधर वो, मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता। और ये आ रहा है सुमानिया गेट, ये है सुमानिया गेट। इसमें गेट लगा है, देखो ये गेट है भाई, पुराने टाइप का ही, मतलब ये ऐसे गेट है। देखो गेट भी है, देखो गेट, देखो कैसा इतना बड़े बड़े गेट है। देखो मतलब इसका नाम सुमानिया गेट क्यों पड़ा? सुमानिया गेट बस अलग अलग गेट है जो किले को जाते हैं, मतलब किले की प्रोटेक्शन के लिए गेट बना रखे थे, ताकि चारों तरफ से सब बंद कर देते थे। तो फिर ऐसा ये गेट सुमानिया गेट, जैसे लाहौरी गेट हमने देखा, नाभा गेट, तो सारे गेट बंद हो जाते थे, तो कोई किले तक पहुंच नहीं पाता था। अच्छा। अभी आएगा वर्ल्ड फेमस महिंद्रा कॉलेज, जहाँ टॉमी डी,
टॉमी दिया शर्ट, टॉमी दिया शर्ट, ये मेरा बास्केटबॉल कोच जा रहा था पीछे। अभी वो दिलजीत का आपने गाना तो सुना ही होगा सोनम बाजवा के साथ, टॉमी दिया शर्ट, वो भी इधर ही शूट हुआ है। लक तेरे पतले वास्ते बनिया टॉमी दिया जिन्ना नी। तो अभी तो भाई अंधेरा हो गया तो शायद से आप लोग को दिखेगा नहीं क्लियर, फिर भी मैं ट्राई करता हूं कभी दिन में। यहां से यू कैन से कि यहां से नया न्यू वाला पटियाला शुरू हो जाता है एक तरह से इस रोड से जाते हुए। तो ट्रेन देने के बाद जब वापिस जाएंगे तो आपको न्यू पटियाला के चेक कराएंगे। तो ये देखो ये है महिंद्रा कॉलेज, ये जी महिंद्रा कॉलेज, ये देखो कितना बड़ा है भाई हमारे यहाँ कॉलेज, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये कॉलेज का गेट है, बहुत शूटिंग होती है यहाँ पे, शूटिंग पंजाबी पिक्चर की शूटिंग बहुत होती है यहाँ पर। ये देखो मैंने बास्केटबॉल भी इधर ही सीखी है, और ये पूरा ऐसा लगता है जैसे पूरा कोई महल है, मतलब एकदम अंदर से भी बहुत अच्छा बना हुआ है इधर। मतलब ऐसा जनरल पब्लिक को जाना अलाउड नहीं है, पर पापा के साथ परमिशन लेके हम चलेंगे। और आगे आता है NIS चौक, वो वापिस में दिखाएंगे। एशिया का लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, जहाँ दंगल वगैरह की शूटिंग इन्होंने दिखाई है। दंगल हो गया, अच्छा ये अपना जितने भी। और भाई हम अभी इधर कुलचाला भी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये फेमस है भाई मंदिर यहाँ का, बहुत राधा कृष्ण शिव मंदिर है जी, शिव मंदिर। और बस अभी पहुंचने वाले हम लोग 2 मिनट में अपना स्टूडियो पे, अभी स्टूडियो पे फ्रेम देके हम लोग थोड़ा फिर आपसे मिलते हैं, टांगे सीधी करेंगे। ये लो जी देखो रेडी बैठे हुए और उनको फ्रेम दे देते हैं। गड्डी तक ही मैं आऊंगी, तू गड्डी का रहेगी ना, नहीं ये घूमते घूमते है पूरा। तो यहाँ पे मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मैच, मोहाली में ही हो रहा है, पता नहीं था, नहीं तो बोल रहे हैं कि देखने चले जाते, मोहाली पास ही है। मोहाली यहाँ से कितना, 1-1.5 घंटे लगता ना, जहाँ से मैं आया था तेरे को एयरपोर्ट से लेके आए थे वहाँ पर ही पड़ता है। चले फिर एन के लेने बंद हो जाएंगे वो भी दुकान। चलो तो भाई दोस्तों ये खड़ी अपने ससुर जी की, अपने स्टाइलिश ससुर जी की सिंगल सीटर जावा चलते भाई, एकदम जैकेट वगैरह रिबन की ग्लास पहन के एकदम चलाते हैं। अभी हम भी चलाएंगे इसको थोड़े दिन में, तो घूम नहीं सकते हम लोग दोनों सिंगल सीट पे, हम लोग दोनों सिंगल सीट पे घूमते थे इस पे जब ये पतली थी, इसलिए अभी ये कहाँ घूमी, अभी अकेली जाएगी, अकेले भी नहीं आऊंगी। चल आ जाओ।